अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सगीर अहमद और आप देख रहे हैं पाकिस्तान ज़िगज़ैग चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूं और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज हम आपको बताते हैं कि जो नए भट्टे कुछ लोग लगा रहे हैं अभी, लेकिन उनको लोग मशवरा ये देते हैं कि चिमनी 170 फुट 165 फुट चिमनी हो तो ब्लोअर के बगैर वो चल सकती है। तो फ्रेंड्स ये कैसे हो सकता है, देखें जी 170 फुट चिमनी बहुत ऊँचाई हो जाती है, बहुत काफ़ी ऊँचाई हो जाती है, तो कुछ समझ में बात नहीं है। ये देखो जी तूफ़ान भी, अंधेरी भी चलती है, हवा भी चलती है, तो गिरने का डर भी तो होता है, चिमनी फट भी सकती है। तो चलो जो मेरे भाई जिन्होंने लगाई हुई है अल्लाह पाक उन्हें कामयाब करे, लेकिन हमारी समझ में काम नहीं है। मुल्ला आपने जो देखा है वो चिमनी वो चल रही है उधर, हाँ वो क्या सूरत है उन भट्टों की, क्या आप यार वो माल नहीं बना रही है भाई यार, माल नहीं बना रही, वो उसकी स्पीड बहुत तेज है, उसकी से बोलना जरा थोड़ा सा, उसका ना स्पीड बहुत तेज है, बहुत पावरफुल चुमनी है वो। फिर वो माल देखो जी पावरफुल चुमनी है मानते हैं वो, लेकिन वो उसकी पावर रोकी भी तो जा सकती है ना, रोकी तो जा सकती है, फिर रोकने वाला हो तो उसको रोक सकता है ना, रोक सकता है। मसलन वो किस तरह रोक सकती है ये भी तो बताएं, मसलन ना तो उसमें कोई डांट लग सकती है जब भट्टा ज़िगज़ैग पे हो गया, ना कोई डांट लग सकती है उसमें, जैसे मसलन जनरल खुड्डा होता है यहाँ पर चुमनी के साथ बिल्कुल, ना तो उसमें डांट लग सकती है, ना ही उसमें कोई ईंटें वगैरह का जोड़ा लगा सकता है बंदा, जैसे पहले पुरानी भट्टे पर लगता था, अब वो तो सिस्टम नहीं है ना, वो तो और काम होते रहे उस्ताजी, वो तो और तो काम तो बता रहे, लेकिन वो जो जलाई वाले हैं वो क्या जलाई वाले नहीं है उनके पास, उनको कुछ नहीं पता, उनको भी ये अपनी अपनी समझ होती है ना उस्ताद जी। नहीं समझ तो होती है, लेकिन ये भी तो सोचे भी जब ये हाल ताजा ठीक है, लेकिन ये भी सोचे ना भी जब 3-4 भट्टे तुमने देखे हैं, कसूर कहाँ कहाँ देखे भट्टे आपने? ये कसूर देखा, एक इधर पत्तों की है, अच्छा, और ये नॉल नहीं है, हाँ नॉल उधर है। तीनों का माल किस तरह था? उसका तीनों का सही नहीं है, अभी इन्होंने चाल बदली है, ये जो नॉलों में भट्टा है इसका माल, अब रात मुझे एक फोन कर रहा था, वो कह रहा था आगे से बेहतर हो गया उसका, तो ये सोचें बेहतर हो गया ना तो उसने उस दिन ही है चुमनी ने, मिसाल की बात है। अब ये देखें जब पहली जो चुमनी थी, अब माशाल्लाह ये हमारी जो पुरानी टेक्नोलॉजी वाली चुमनी चल रही है, ये कितने फुट होगी तकरीबन, कितने मेरे ख्याल 80-85 फुट होगी, ये 80-85 फुट चुमनी है। और ये बताएं कि जब पहले जो पुरानी भराई थी उस पर झरियाँ बिल्कुल ज़्यादा झरियाँ थी, और इस भराई में और उस भराई में तो काफ़ी फ़र्क था। अगर हम चाहें कि बगैर ब्लोअर के ये चुमनी काम करे तो ये गलत बात है, इसने बिल्कुल भी काम नहीं करना ज़िगज़ैग भराई पर, अगर ब्लोअर ना हो तो ये चुमनी बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। लेकिन ये सोचें कि जब ज़िगज़ैग भराई है और चुमनी, चलो कितना प्रेशर बन जाएगा उसका, और ये बताना आप ये देखें यार, ये तो आप देख लो ना, इससे आधी लगा लो आधी ज़्यादा बनेगी, हाँ तो आधी ज़्यादा बनेगी, लेकिन ये तो बात ठीक है, लेकिन ऊपर गर्मियों में इसमें भी भराई में दीवारें भी तो हैं, ये भी तो सोचें देखें, जगह जगह पर 3 पट्टियों के बाद दीवार आ रही है, और उस भराई में और इस भराई में तो काफ़ी फ़र्क है, ये भी सोचना तो उसने गर्मियों में रोके चलना है कोयले की, उस कहाँ से देगी वो चुमनी, वो तो नहीं देगी। हाँ तो ये बताए ना, जब आप खुद कह रहे हैं ये बात के मैंने 3 भट्टे देखे हैं भाई सगीर, और तीनों भट्टों पर माल इस तरह पकड़ा जैसे चाप पकड़ा है, ये भी सोचे तो ऐसा ही, हाँ तो वो भट्टा मालकन कहाँ तक बर्दाश्त करेगा, एक महीना कर लेगा, दो महीना कर लेगा, एक गेट दो गेट तीन गेट चार गेट वो कहाँ तक बर्दाश्त करेगा, ये भी सोचें आप, ऐसे ही वो उस भट्टे मालकन के पास मशीन तो नहीं जो पैसा बना बना कर दी जाएगी, इतना खर्चा चलेगा, भट्टा तो अपने आप चलेगा तो काम बनेगा ना, हाँ तो ये भी सोचे, माल ही नहीं बिकेगा तो मालिक क्या करेगा। तो फ्रेंड्स मेरी बात ये है कि ठीक है लोग बना रहे हैं, अब तकरीबन कुछ लोग ज़्यादातर यही कर रहे हैं भाई जी ब्लोअर से हमारी जान छूट जाए, बत्ती का खर्चा कम हो जाएगा, अगर बत्ती जाए तो हमारा डीजल का खर्चा कम हो जाएगा, तो उन्हें लोग मशवरा ये देते हैं कि चुमनी 170 फुट 75 फुट बना लें। देखिए अब हमने ये जो भट्टा ज़िगज़ैग पे किया हुआ है, अगर हमने इसकी ज़रूर दीवारें गिरानी थी, इतना खर्चा खुडे किस तरह करने थे, तो हम ये चुमनी बना लेते तो काफ़ी था, ये भी सोचे ना, तो चुमनी में खर्चा ज़्यादा आएगा ऊपर बड़ी करने में, या इधर ज़िगज़ैग भट्टा करने में ज़्यादा खर्चा आएगा? चुमनी में साफ जाहिर खर्चा ज़्यादा आएगा, तो ये भी सोचे ना, देखें जब उसमें माल नहीं बनेगा हमारा, उसका क्या फ़ायदा बगैर ब्लोअर के, इतने काम नहीं करना चुमनी ने, कोयला ज़्यादा लगेगा हमारा, ये सोच ऐसे ही। तो फ्रेंड्स मेरी आपसे गुजारिश है आप ये काम ना करें बिल्कुल भी, अपना जो ये ब्लोअर पर काम चलाएँ तो आपको भी बेहतरी होगी और जलाई वालों की बेहतरी होगी, ये ना हो चुमनी इतनी 170 फुट और चुमनी नीचे आ जाए अंधेरी से, ये भी सोचो ना तुम। तो फ्रेंड्स मेरी आपसे गुजारिश है अगर आपने नया भट्टा लगाना है तो इस चक्कर में ना पड़े, 170 फुट चुमनी 80 फुट चुमनी बना दें और वो ब्लोअर से ज़्यादा काम करेगी, बिल्कुल भी नहीं काम करेगी भाई वो, तो मेरी आपसे गुजारिश है
अपना बलोर लगाएं जिगजैग पर और इंशाल्लाह, क्योंकि अगर बलोर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है किस तरह काम चलेगा। ठीक है, बंद कर दे।